सच बात यह है कि कोई किसी के गुस्से का शिकार ना बने, उसका जुर्म होना चाहिए होता। तो गुस्से का शिकार बने, कहीं आपके सीओ का शिकार बने, कहीं धारा डेलीगेट में आपके दरोगा जी का शिकार बने, या आप भी मान रहे हो दरोगा जी ने गलत करा, इतना बड़ा केस नहीं था। बैठी है, रिमांड बैठ रहा है, प्राकृत दीदी जानलेवा हमला था, कोई से पक्ष है तहरीर, अभी लूट की सो दे दे कोई, आप जांच नहीं करो इसमें ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे दिल पे लग गई, तुम्हारे तुम्हारे एसपी से दिल पे लग गई बात क्या हो रही है कैसे कैसे मैं जो बात कर रहा हूँ तर्क से कर रहा हूँ मैं भी तर्क से बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब कि नहीं मैंने आपके बात भाई आप क्या एफआईआर कैसे लिख दिया एफआईआर कैसे व्यापारियों पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज होने पर बिफरे भाजपा कार्यकर्ता। थाना ब्रह्मपुरी में आए थे, दो लोगों का झगड़ा हो गया था और उनकी दोनों तरफ से उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया था, तो हम ये पुलिस से निवेदन करना आए थे कि वो 307 की डाकरी उसके अंदर नहीं थी, तो इसलिए उनका चलान 307 में नहीं होना चाहिए था। तो अभी एसपी सिटी साहब ने कहा कि उनकी डाकरी मंगाकर और उसमें डाकरी के आधार पर अगर डाकरी के अंदर 307 की धारा या ग्रीफ सेंचुरी नहीं आती है तो उसमें धारा तब्दील कर दी जाएगी और उसके बाद उनकी बेल हो जाएगी। सर क्या कहेंगे कि इसके अंदर लापरवाही है? लापरवाही क्या है कि जब तक डाकरी नहीं आ जाती थी, जब सप्लीमेंट्री रिपोर्ट नहीं आ जाती है, जब तक पुलिस उसमें धारा नहीं बदल सकती। एसपी सिटी साहब ने कहा कि कल को सप्लीमेंट्री रिपोर्ट मंगाकर और उसके हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। 7 व्यापारियों पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज होने पर जेल भेजने से भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया है। कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमले की धारा हटाने के लिए ब्रह्मपुरी थाने में हंगामा कर दिया। एसपी सिटी और सीओ से भी बहस हो गई। बाद में अधिकारियों ने मेडिकल केयर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का भरोसा देकर कार्यकर्ताओं को शांत किया। गुरुवार को भाजपा नेता कमल दास शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजपाल उर्फ पाई पक्ष पर जानलेवा हमले की धारा में मुकदमा नहीं बन रहा था। उन्होंने कहा कि व्यापारी समझौता कर रहे थे लेकिन पुलिस ने जेल भेज दिया। यह था पूरा मामला। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के ईश्वरपुरी निवासी हेम प्रकाश लोधी की कबाड़ी बाजार में रामसाय नाम से रेवड़ी गज्जक की दुकान है। दुकान पर हेम सिंह अपने बेटे अमित के साथ बैठते हैं। अमित का टेंट कारोबार है। राजपाल उर्फ पाई निवासी शिव चौक बादपा गेट से विवाद चल रहा था। मंगलवार रात राजपाल उनके बेटे विकास और विशाल के अलावा मटरू पुत्र विनोद निवासी बागपत गेट अमित हेम सिंह और राहुल लोधी के साथ मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से वार किए। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। उधर दोनों पक्षों ने हवालात में भी मारपीट कर दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मिली तहरीर पर जानलेवा हमले के मुकदमा दर्ज कर दिया। 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस जेल भेज चुकी है। बीजेपी के सदर विधानसभा से प्रत्याशी रहे श्री कमल दास शर्मा जी अपने समर्थकों के साथ आए थे। उनका कहना था कि दो दिन पहले थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र अंतर्गत कबाड़ी बाजार में व्यापारियों के बीच में देर रात मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर धारा 307 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में दोनों तरफ से कुल 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी और जिनका रिमांड धारा 307 में बनवाया गया था। वर्तमान में वो 7 लोग जिला कारागार में निरुद्ध हैं। शर्मा जी का और उनके समर्थकों का ये कहना था कि धारा 307 इस अभियोग में गलत लगाई गई है, इसको जांच करके सही धाराओं में तरमीम किया जाना चाहिए। इस संबंध में मेरे द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि मेडिकल रिपोर्ट, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और इंडिपेंडेंट विटनेस, इनके आधार पर इस अभियोग की पुनः समीक्षा कर ली जाएगी और समुचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।